अलावा बीजेपी के जिला महामंत्री प्रशांत राव चौबे के पिता के आकस्मिक निधन पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अब इस मौके पर भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचार, परिवारवाद समेत तमाम मुद्दों पर घेरा। तो इटावा पहुंचे थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। बीजेपी के जिला महामंत्री के पिता का निधन हो गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। अब इस मौके पर जब उनसे विपक्ष को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह घेरते हुए दिखे। प्रशांत चौबे जी के जो हमारे पार्टी के मंत्री हैं, उनके पिताजी के निधन के अवसर पर यहाँ हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। माननीय सांसद जी हैं, माननीय हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, सारे लोग उसी शोक संवेदना कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय है, उस न्यायालय के परिपालन में आज सर्वे किया जाना प्रस्तावित था। पूर्व निर्धारित तिथि थी, सुबह प्रातः समय भी निर्धारित था, 7 बजे से शायद सर्वे शुरू हो गया होगा और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी कंप्लेंट हो रही है। तो अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा कि निहायत निंदनीय घटना है, दुखद घटना है, ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार कटिबद्ध है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, पूरी तरह संकल्पबद्ध है किस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और जो भी उस घटना के लिए दोषी हैं वो सारे शक के सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय भी पूरी नज़र रखे हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं भी इस घटना पर रोष और दुख व्यक्त करते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संवैधानिक और कानून के दायरे में सारे निर्णय लिए जाते हैं। धर्म, जात, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर कभी भी शासन और प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है। और संवैधानिक व्यवस्था जिस तरह की है उसी के तहत धर्म और जात के मजहब के नाम पर बांटना, ये ओवैसी जी की आदत बन गई है। उनको कभी कभी तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर बात करनी चाहिए, कभी हिंदुओं की बात करनी चाहिए। इस तरह के कट्टरपंथा के बयान कतई उचित नहीं हो सकते। यदि कोई प्रति देख पूरा प्रशासन कभी भ्रष्ट या पूरा अच्छा नहीं हो सकता। यदि व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई आक्षेप है, उस तरह के प्रामाणिक उन पर तथ्य हैं तो देंगे, तो सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तत्पर रहती है।